नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम लोग जानते हैं अग्नि देवता। आग के बारे में रोचक कहानी, क्यों कहें रोचक जानकारी। पहले मानव जंगलों में रहा करता था और उसके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था जो उसके जीवन को आरामदायक बना सके। ऐसे में आदिम मानव ने खुद अपनी जरूरतों के अनुसार नई नई खोजें की। आग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आग का आविष्कार पत्थर की चिंगारी के द्वारा किया गया। यह काल आधुनिक काल से 25 लाख पूर्व मान सकते हैं। आज हम इससे जुड़े हुई चीजों के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो प्रकाश और गर्मी जारी करता है। प्राचीन यूनानियों ने आश्चर्यजनक रूप से केंद्रित धूप के साथ आग की शुरुआत की। आश्चर्यजनक तथ्य, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां आग जल सकती है। हर जगह आपको आग लगाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अग्नि त्रिकोण तीनों घटकों का प्रतिनिधित्व करती है जो आग की आवश्यकता होती है, गर्मी, ऑक्सीजन और ईंधन। यूं कहें तीनों रूपों में यह मौजूद है। ऑक्सीजन की आपूर्ति लौ के रंग को प्रभावित करती है। कम ऑक्सीजन की आग एक पीले रंग की चमक को छोड़ देती है। आमतौर पर लगाई गई आग से तेज होती है क्योंकि आग पर काबू पाने से 30 सेकंड से भी कम समय लगता है। एक मोमबत्ती की लौ आमतौर पर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस 1800 फारेनहाइट भी आप मान सकते हैं पर जलती है। आग की लपटों की तुलना में धूम्रपान से अधिक लोग मर जाते हैं। आग एक कमरे से सभी ऑक्सीजन को चूस सकती है और जहरीली धुएं और गैसों से भर सकती है इससे पहले कि एक कमरे तक आग पहुंच जाए। पेड़ विस्फोट कर सकता है यदि पेड़ के अंदर पानी जल्दी भाप में बदल जाए। आग से निकलने वाली गर्मी ही जान लेने के लिए काफी है। एक चीज और आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब लगेगा, यह आग के स्तर पर 315 डिग्री सेल्सियस के रूप में भी गर्म हो सकता है। आप जलते हुए घर में हैं तो आप देख नहीं सकते, गहरे धुएं के कारण यह काला पड़ जाता है। एक मोमबत्ती की लौ आमतौर पर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक जलती है। आप बर्फ का उपयोग कर आग शुरू कर सकते हैं। एक सामान्य घर की आग हर मिनट आकार में दुगनी हो जाती है। न जाने इस तरह आग से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य अपने जीवन को जीता है। आग हमारे जीवन का आधार है। आग सृष्टि की संरचना का आधार है। अगर आग नहीं तो मनुष्य का विकास न पहले पूर्ण था, न आज है, न भविष्य में।